परियां होती है बड़ी बच्ची परी की शक्ल देखो टूटी हुई परी एक्सीडेंट हुई सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैंने इस शो के लिए लगा लिया है सुंदर होने के लिए तो गाइस मैं वैसे ब्लॉग डालने नहीं वाली थी क्योंकि कोई कंटेंट था नहीं हमारे पास हम घर में ऐसे बेले बोर होते हैं तो मैंने ब्लॉग स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया है क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग में जो मैंने स्नो वाला ब्लॉग डाला था उसमें मैंने अपने दो भाई बहनों को मेंशन किया था कि मैं उनका मुंह तोड़ रही हूँ तो मेरे जो दो भाई थे वो मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे कि मैंने उनका मुंह नहीं तोड़ा उस ब्लॉग में उनको नहीं बोला मतलब उस ब्लॉग में तो मैं इस ब्लॉग में उनको पीटना चाहती हूँ उनकी इच्छा जो थी वो पूरी करना चाहती हूँ तो गाइस मैं उनकी इच्छा पूरी करती हूँ ये इमेजिन कि ये मेरे भैया हैं मेरे दो भाई हैं एक राजू भैया एक रिंकू भैया तो सबसे पहले मैं राजू भैया को मारना चाहूंगी सो अब इमेजिन कि ये रिंकू भैया हैं गाइस रिंकू भैया से मेरी पुरानी दुश्मनी है तो उन्हें मैं दो लात मारूंगी वन या इच्छा पूरी हो चुकी है स्पेशली ब्लॉग उनके लिए था तो अभी हम आगे थोड़ी और चीज़ें करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी तो तब तक के लिए बाय बाय सो गाइस मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ आज मौसम बड़ा बेईमान है गाइस देख सकते हैं कितना बेईमान हो रखा है मौसम बुद्धि बहुत अच्छी थी गाइस वो कुत्ता मेरी बात सुन रहा है गाइस ज़ूम आ रहा है उस कुत्ते पे आह ही सो क्यूट जा खेल के आ जा गाइस वो कुत्ता मेरा फैन है गाइस वो मुझे फैन नहीं है रिश्तेदार है तेरा वो और ये भाई बहन है भूल गई गाइस इसको छोड़ते हैं मैं आपको बता रही थी जी मेरी बहन वो गाइस मेरी बहन हिप वॉच कैमरे के पीछे है क्योंकि उसने आज बहुत तेलिए अपने सिर में तेलिए मसाज की है और वो आज के ब्लॉग में शायद नहीं आएगी तो आप लोगों को दुख जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है उसी जगह मैं इस कुत्ते को ले आई हूँ वो भी इसी की शक्ल का है तो गाइस चलते हैं तो हे गाइस मैं अपने स्कूल से आ चुकी हूँ और अगर मेरी मम्मी पापा ने मुझे आधी बाजू में देख लिया तो मुझे बहुत सूतेंगे घर में इसलिए मैं जल्दी जाके कोई जैकेट पहन के आती हूँ ये मुरझाए हुए फूल आप देख रहे होंगे ये मेरी बहन की मनहूसियत से मुरझा गए हैं तो सबसे पहले मैं अपनी जैकेट पहन के आती हूँ उसके बाद मिलते हैं बाय गाइस ये तू क्या कर रही है वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है करने के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ टांकियों में घुसपैठ हाँ जो भी असली बात बता दे असली बात बता दे गाइस टांकी साफ करने के लिए बोला था इसको नहीं टांकी साफ कर रही थी नहीं गाइस फोन ले कहाँ था और इधर इसको थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े मिल जाते खाने को जो कि इसको बहुत पसंद है इसकी शक्ल भी कीड़ों जैसी है दिखाओ अपनी कीड़े वाली शक्ल सो हे गाइस हम आ चुके हैं क्या बोलते आंगन से किचन को और अब हम मेरे को भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है हाँ गाइस तो मैं फिर सूप बना रही हूँ रसोड़े में कौन था मेरी छोटी हाइट के कारण नहीं मैं पहुंच गई रसोड़े में कौन था पुजू पुजू तो गाइस सूप बनाने की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले एक क्या होता है इसको फ्राई पैन एक फ्राई पैन में वाटर लीजिए जितना मन करे दो बंदों के हिसाब से टोकनी से ले इससे नहीं ले गाइस टोकनी से ले उनके हम पानी हमारे यहाँ शुद्ध वाई है जिससे हम रोज पानी लेके आते हैं हम डालेंगे इसमें दो ग्लास वाटर टू कप ऑफ वाटर एंड देन वी पुट आवर फ्राई पैन
पानी पैन फ्राई पैन ऑन गैस पैन हम इसको ऑन करेंगे। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, चल अब इंग्लिश में बना पूरा ब्लॉग बना। हम कड़छू लेंगे उसके बाद खाना खजाना में आपका स्वागत है। क्या सुना जो अजीब सा आदमी से बन रहा था कल को, पता नहीं क्या इसका नाम है, संजीव। हाँ संजीव कपूर संजीव कपूर है ना, पता नहीं मैं तो कम आ रहा। तो हम इसको गुनगुना होने देंगे, गुनगुना होने के बाद हम अपने सूप को पानी दे तो गर्म करके पीने को दूंगी बाद में, पानी दूंगी भाई अभी, पहले मैंने सूप पीने से पहले पीना है वो। तो मैं क्या करूँ प्लीज, गल जरा अपने अपने को डाइट कॉन्शियस बनती है। नहीं मैं हूँ सकल देखी नहीं, छह फूल के पार डालती है चल भेजो प्यारी बहन पू दे रखे हैं मुझे पानी, क्यूट लिटिल पू। बकवास मत किया कर ले, इतनी प्यारी ना मेरी, पकड़ जल्दी मेरे को सूप में डाल, नीचे नीचे छोड़। वेरी गुड, ये छोटी बहन से काम कराने के तरीके सीख लो बड़ी बहनों। गाइस मैं कर चुकी हूं काम, सुबह से मैंने चपाती बनाई है। मेरे पहले अलग से पेपर था, पेपर देने के बाद मत बोलो, मैंने दाल बनाई, मटर मशरूम बनाई, चपाती बनाई, चावल बनाए, घर की सफाई करी, किचन की सफाई करी, बर्तन धोए, मतलब इतना काम, ऊपर से अब मैं ये कर रही हूँ। मतलब मेरी बहन कुछ नहीं करती, सुबह शाम लेटी रहती है, ऑर्डर चलाती रहती है। तो जो जो भी छोटी बहन समझ जाएगी, चुपचाप काम कीजिए और बड़ी बहनों को आराम दीजिए, वो पैदा ही आराम से निकली हुई होती है, वो परियां होती हैं अपने माँ बाप की। और छोटी बहनें चुड़ैली होती है, परियां होती है अपनी माँ बाप की, हमें परियां छोटी बच्ची परियां होती है, बड़ी बच्ची परी की शक्ल देखो, टूटी हुई परी, एक्सीडेंट हुई परी। शट अप, ओह माय गॉड, इसका नाम पता क्या है, पू पू किसे करनी बात, पू तो वाइट वाइट सा कुछ है। ऐसा नहीं मेरे को पता है सूप वाइट है पर कुछ ज्यादा वाइट नहीं है। देखो गाइस पहली बार सूप देख के पागल हो गई है और आप लोगों को रेसिपी सिखा रही है। चुप रहे, अरे वाइट वाला वाइट है बहुत है, पता नहीं क्या ये तो कुरकुरों की सूप बना के पीती है, वो टकाटक का सूप बनाती है उसको पीती है, वो लाल होता है तो इसलिए पहली बार असली सूप पी रही है, तो इसको पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। सो गाइस हमारा सूप हो चुका है रेडी, चलो गाइस तो अब हम पीते हैं सूप। ये बड़ा वाला मेरी बहन के लिए क्योंकि भूखी है बहुत, थोड़ा सा मेरे लिए। तो गाइस अब मैंने सूप बना लिया है, मेरी बहन सूप पियेंगे और उसके बाद हम करेंगे जो करेंगे, पर इसके बाद हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।